स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में आधुनिक अर्थशास्त्रियों का क्या मत है, जो आधुनिक विचारधारा क्या है, उसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं उनका LAC जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं उसके बारे में उनका क्या व्यूज़ हैं, मत हैं, उसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो प्राचीन अर्थशास्त्रियों का विचार था, ठीक है, या जनरल अगर हम एक बात करें तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ में प्रारंभ में औसत लागत घटती हुई होती है, लेकिन एक बिंदु के पश्चात उत्पादन की मात्रा में अगर और वृद्धि की जाती है, जैसे कि यहाँ पे उत्पादन का स्तर अगर ओ से क्यू है, अगर इस ओ क्यू उत्पादन स्तर से अधिक मात्रा में अगर उत्पादन किया जाता है, जैसे कि आपका Q1 हो गया, Q2 हो गया, तो उत्पादन की मात्रा में एक बिंदु के पश्चात वृद्धि करने पर औसत लागत एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। और इस वजह से जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है वो यू आकार का होता है, ठीक है। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनका क्या मानना है कि वास्तविक जीवन में जो फर्में हैं उनका अध्ययन किया गया है, तो उन विभिन्न अध्ययनों से जो निष्कर्ष निकाला जाता है या जो अनुभव सिद्ध प्रमाण हम कह सकते हैं, उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है वो अंग्रेजी अक्षर L की आकृति का होता है, L शेप्ड होता है, ठीक है। तो आधुनिक जो विचारधारा है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC के बारे में वो क्या है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है कि वास्तविक जीवन में बहुत सारे जो एविडेंस है, प्रमाण है, वो उपलब्ध हैं, वास्तविक जीवन में फर्मों का जो अध्ययन किया गया है उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल के कह सकते हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का जो आकार है वो यू आकार का नहीं होके किस प्रकार का होता है, अंग्रेजी अक्षर के L आकार का होता है, L के समान होता है। और L आकार के समान होने का मतलब क्या हो गया कि उत्पादक द्वारा जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो प्रारंभ में क्या होता है कि जो औसत लागत है वो तेजी से नीचे गिरती हैं, और इस वजह से दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो होता है वो प्रारंभ में क्या होता है, उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ में घटता जाता है, ठीक है। दीर्घकालीन औसत लागत क्या होती है, प्रारंभ में घटती हैं, और एक बिंदु के पश्चात ये जो दीर्घकालीन लागत हैं, ठीक है, दीर्घकालीन औसत लागत वो एक तरह से क्या हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, और इस वजह से जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का आकार है वो अंग्रेजी के L अक्षर की तरह होता है, ठीक है। तो ये आपका दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो है आधुनिक अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि इसका आकार U आकार का नहीं होके कैसा होता है, L आकार का होता है, और L आकार का मतलब क्या हो गया, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ में प्रारंभ में जो दीर्घकालीन औसत लागत है वो तेजी से घटती है, इस वजह से जो LAC वक्र है वो शुरू शुरू में क्या होता है, प्रारंभ में तेजी से नीचे की ओर गिरता होता है, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जिसके पश्चात जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है वो स्थिर हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके पश्चात भी जो LAC है वो गिरता हुआ हो सकता है, लेकिन दीर्घकालीन औसत लागत जो है वापस बढ़ेगी नहीं, ठीक है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ में जब दीर्घकालीन औसत लागत वक्र प्रारंभ में गिरता है उसके बाद में स्थिर हो सकता है, या स्थिर होने के साथ साथ में हम कह सकते हैं उसके बाद में गिर सकता है, लेकिन कभी भी वो ऊपर की ओर उठता हुआ नहीं हो सकता है। इसके बारे में वास्तविक जीवन में जो अध्ययन किया गया है उसके बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध हैं, और उन प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जब गिरेगा उसके बाद में कभी भी वो ऊपर की ओर उठता हुआ वक्र नहीं हो सकता है, और इसका मतलब क्या हो गया, हमेशा वो नीचे की ओर झुका हुआ ही होगा। अब नीचे की ओर झुका हुआ क्यों होता है, उसके पीछे उन्होंने मुख्य रूप से दो कारण जो है वो स्पष्ट किए हैं। उन कारणों को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का जो आकार है वो आपका कैसा बनता है, इस आकार का, ठीक है, जैसा कि हमने ये डायग्राम बना रखा है।
इस डायग्राम में रेखा चित्र में हमने ओ एक्स अक्ष हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया है उत्पादन की मात्रा ली है, और ओ वाई अक्ष पर हमने क्या लिए हैं उत्पादन की लागत कोस्ट को लिया है। और जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती हैं, तो उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ में दीर्घकालीन औसत लागत देखिए क्या होगी, घटती होगी इस तरीके से, और फिर ये जो हमारा वक्र है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से स्थिर बन जाएगा। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का आकार इस तरीके से होता है, हमेशा नीचे की ओर गिरता हुआ। और आधुनिक अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि ये जो वक्र नीचा गिरना प्रारंभ हो गया है उसके बाद में ये जो स्थिर हो गया है, अब यहाँ इसके बाद में अगर उत्पादन की मात्रा में और वृद्धि की जाएगी तो फिर ये वक्र की जो रेखा है एलएसी वक्र की रेखा वो ऊपर की ओर उठती हुई नहीं हो सकती, मतलब यू आकार की वो नहीं हो सकती हैं, एल आकार की होती हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए उन्होंने दो कारण बताए। फर्स्ट जो उन्होंने कारण दिया उन्होंने क्या बताया, तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, या जिसको हम प्रौद्योगिकी प्रगति भी कह सकते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि वास्तविक जीवन में जो अध्ययन किए गए हैं, जो प्रमाण उपलब्ध हैं, उन प्रमाण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो पहले वाले अर्थशास्त्री हैं या जिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है वो यू आकार का होता है, तो वो क्या करते हैं अपने इस विश्लेषण में, जो टेक्नोलॉजी होती हैं प्रौद्योगिकी उत्पादन की जो तकनीक होती हैं उसको वो क्या करते हैं स्थिर मान लेते हैं, ठीक है। और उत्पादन की तकनीक को स्थिर मान लेने से जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है उसका आकार क्या हो जाता है, यू आकार का हो जाता है, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि जो पहले वाले अर्थशास्त्री थे या जो आर्थिक सिद्धांत कहता है कि एलएसी वक्र का आकार यू आकार का होता है, तो उन्होंने अपने विश्लेषण में क्या मान लिया था, उत्पादन की जो तकनीक है टेक्नोलॉजी वो स्थिर होती है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति नहीं होती है, नई मशीनरी है, नया प्लांट है, ठीक है, ये जो प्रगति होती है प्रोग्रेस वो नहीं देखने को मिलती है। और इस वजह से क्या होता है, उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ में जो एलएसी वो यू आकार का हो जाता है, ठीक है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि वास्तविक जीवन में अगर हम देखें तो क्या होता है, समय के साथ साथ में जो तकनीकी है उसमें प्रगति होती रहती है, ठीक है। तकनीक प्रगति का मतलब क्या हो गया कि जो एक फर्म है उत्पादक हैं वो क्या करता है अपने उत्पादन में या व्यवसाय में कि वो जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में उसको वो अपनाता है, मतलब अपना जो प्लांट है संयंत्र है उसके आकार को वो बड़ा करता है, नई मशीनों का प्रयोग करता है, जिसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कह सकते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वास्तविक जीवन में जो उत्पादन की तकनीक है वो स्थिर नहीं होती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, मतलब जो उत्पादक है वो हमेशा क्या करता है अपने व्यवसाय में नए नए जो आविष्कार होते हैं उनको वो अपनाता है, नई जो उत्पादन की तकनीक है नया प्लांट स्थापित करता है, नई मशीनों का प्रयोग करता है, और नई मशीनों का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है, उत्पादन की जो प्रति इकाई लागत है पर यूनिट कॉस्ट है उसको एक तरह से कम करना। तो आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि वास्तविक जीवन में क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया में एक फर्म क्या करती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उत्पादन की नई प्रौद्योगिकी को अपनाती है, और वास्तविक जीवन में दीर्घ काल में अगर तकनीकी प्रगति होती है तो तकनीकी प्रगति होने से क्या होगा, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ में क्या होगा, जो औसत लागत है वो हमेशा गिरती हुई होगी। उत्पादन की प्रौद्योगिकी में अगर प्रोग्रेस होता है प्रगति होती है तो कभी भी औसत लागत वक्र जो है वो घटने के बाद में वापिस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस नई तकनीकों पर अपनाया जाता है तो औसत लागत वक्र जो बनेगा हमेशा कैसा बनेगा, नीचे की ओर गिरता हुआ। अब देखिए इसको स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं, इस डायग्राम को हम समझने का प्रयास करते हैं। माना कि एक फर्म है, ठीक है, वो उत्पादन कार्य कर रहे हैं, और उत्पादन कार्य जो वो कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, जो हमारा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है LAC1, ठीक है। तो एक फर्म जो है LAC1 पर उत्पादन कार्य कर रहे हैं, माना कि उस फर्म के द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन कितना किया जाता है, O से लेकर Q1, ठीक है। एक फर्म है कितना उत्पादन कर रही है, O से लेकर Q1, और उसका जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है वो कौन सा है, LAC1 है, ठीक है। LAC1 जो
दीर्घकालीन औसत लागत है वो ई वन बिंदु पर, ठीक है, या आपका जो ई वन बिंदु है यहाँ पर न्यूनतम है। ऐसी स्थिति में ओ क्यू वन अगर फर्म उत्पादन करती हैं तो उसकी प्रति इकाई औसत लागत जो है कितनी होती है, इतनी, ठीक है, ओ से लेकर सी वन तक हम कह सकते हैं। सबसे पहला हमने देखा कि एक फर्म क्या कर रही है, एल ए सी वन, एक फर्म का जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र वो कौन सा है, एल ए सी वन है। फर्म उत्पादन कितना कर रही है, ओ से लेकर क्यू वन, और प्रति इकाई औसत लागत कितनी है, ओ से लेकर सी वन तक है। अब हम मान लेते हैं कि फर्म के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उस उत्पादित वस्तु की बाजार में मांग बढ़ जाती है, और बाजार मांग बढ़ने से क्या होगा, अब फर्म को क्या करना पड़ेगा, उत्पादन का उत्पादन की जो मात्रा है वो अधिक उत्पादित करनी पड़ेगी। अब हम मान लेते हैं कि फर्म जो अपना उत्पादन है पहले कितना कर रही थी, ओ से लेकर क्यू वन तक, और अब फर्म अपना उत्पादन बढ़ा के कितना कर देती हैं, ओ क्यू टू के बराबर कर देती हैं, ठीक है, इतना फर्म अपना उत्पादन बढ़ा के कर देती हैं। अब यदि फर्म उसी एल एस सी, ठीक है, एल एस सी आपका वन है, अगर फर्म इसी कर्व पे अगर रहेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी जो औसत लागत है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, ओ से लेकर एच तक हो जाएगी, ठीक है। अगर फर्म कितना उत्पादन करती हैं, ओ से लेकर क्यू टू तक, ठीक है, इतना अगर उत्पादन करती हैं, और अगर फर्म इस एल ए सी जो आपका वक्र है उसके उसी के ऊपर अगर रहती हैं तो नया जो संतुलन है वो कहाँ पे स्थापित होगा, इस जगह। और यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्म की जो उत्पादन लागत है वो कितनी है, ओ से लेकर एच तक है। मतलब फर्म जब ओ क्यू वन उत्पादन कर रही थी उसमें उसकी प्रति इकाई लागत कितनी थी, ओ सी वन, और फर्म अपना उत्पादन बढ़ा के अगर ओ क्यू टू करती हैं क्योंकि वस्तुओं की मांग बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो प्रति इकाई लागत है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, ओ से लेकर एच हो जाती हैं, इतनी, ठीक है। लेकिन फर्म क्या करती हैं, क्योंकि देखो पहले वाले विश्लेषण में क्या मान लिया गया था कि उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर होती हैं, ठीक है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होता है, समय के साथ साथ में क्या करती हैं, फर्में क्या करती हैं, अब अपना नया प्लांट लगाएगी, उस जो पहले से जो उत्पादन कार्य कर रही थी, ठीक है, उसका विस्तार करती, कहने का मतलब नई मशीनों का प्रयोग करना, नया प्लांट स्थापित करना, ये एक तरह से नई टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जब नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तकनीकी प्रगति होती है, तो ऐसी स्थिति में फर्म की जो औसत लागत है वो एक तरह से क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। और घट के जैसे माना कि आपका जो वक्र है वो क्या बन गया, एल ए सी टू वक्र बन गया है, नई तकनीक अपनाने से एल एस सी वक्र जो है वो नीचे की तरफ आ गया। और फर्म अगर नई तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन करती है कितना, ओ क्यू टू, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रति इकाई जो लागत है, ठीक है, वो क्या आ जाएगी आपका, इस ई टू बिंदु पर, ठीक है, जहाँ पे कितनी है, ओ से लेकर सी टू तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अर्थव्यवस्था में एक फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो फर्म क्या करती हैं, अपना जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज करती, मतलब वो नई प्रौद्योगिकी को अपनाती है, और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने से क्या होता है, प्रति इकाई औसत लागत जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर फर्म पहले वाली तकनीक को अपनाती है ओ क्यू टू उत्पादन करने के लिए, अगर पहले वाली तकनीक को अपनाती है तो उसकी जो लागत है वो कितनी है, ओ से लेकर एच तक है, इतनी। लेकिन फर्म अगर अर्थव्यवस्था में नई तकनीक को अपनाती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है, नई प्रौद्योगिकी आती है, तो ऐसी स्थिति में इस ओ क्यू टू उत्पादन की जो प्रति इकाई लागत है वो घट के कितनी हो जाती है, ओ से लेकर सी टू तक हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो नया बिंदु है वो कहाँ पे आएगा, अब इस बिंदु पे आएगा। अब मान लेते हैं कि भविष्य में उस फर्म के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं उसकी मांग और बढ़ जाती है, ठीक है, वो क्यू थ्री आ जाती है, तो फर्म क्या करेगी, नई टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, और जिससे क्या होगा, फर्म की जो औसत लागत है वो कम होके जो संतुलन है वो कहाँ पे होगा, इस ई थ्री पी बिंदु पे होगा। अब देखिए ये जो ई वन बिंदु है आपका, ये ई टू बिंदु है, और ये ई थ्री बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं
तो हमारा जो वक्र है, ठीक है, LHC वक्र, वो कैसा बना है? नीचे की ओर गिरता हुआ। तो आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है, एक फर्म के द्वारा नई प्रौद्योगिकी अपनाई जाती है, नई तकनीक को अपनाया जाता है, तो नई तकनीक को अपनाने से क्या होता है, प्रति इकाई लागत घटती है, और प्रति इकाई लागत घटने से जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है वो कैसा बनेगा, नीचे की ओर गिरता हुआ बनेगा, और कभी भी ये ऊपर उठता हुआ नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्म क्या करेगी, उत्पादन का विस्तार करने के लिए, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए वो क्या करती हैं, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती हैं, और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से कभी भी जो औसत लागत है वो नहीं बढ़ सकती है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ठीक है, इसके पीछे दूसरा जो कारण दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, अधिगम, या हम कह सकते हैं कार्य करते करते सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, प्रोफेसर एरो का जो विचार था, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग का, उसके कारण भी क्या होता है, LHC वक्र जो होता है वो नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या हो गया, अधिगम, अधिगम का मतलब एक तरह से क्या हो गया, का एक फर्म या उत्पादक, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे 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 कार्य करता जाता है, ठीक है, तो कार्य को करते करने से क्या होता है, वो एक तरह से सीखता है। इसी तरीके से कोई फर्म है, कोई उत्पादक है, अगर वो किसी विशेष वस्तु का उत्पादन कर रही है, या वो जो भी कार्य कर रही है, अपने वस्तु की उत्पादित मात्रा को वो जैसे जैसे बढ़ाएगी, कार्य की जो मात्रा है अगर वो अधिक करेगी, वस्तुओं का उत्पादन वो अधिक करेगी, तो इस स्थिति में क्या होगा, उसको अनुभव होगा, ठीक है, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है वो क्या होगा, जैसे जैसे, माना कि एक प्लांट लगाया गया है, उसको कार्य करते करते हुए 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, फिर 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे कार्य की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो उस फर्म को या उस फर्म का जो मालिक है, उद्यमी है, उसको कार्य का एक तरह से क्या होगा, अनुभव होगा, और कार्य का अनुभव होने से क्या होगा, किसी भी कार्य को वो अच्छे ढंग से कर सकता है। अच्छे ढंग से करने का मतलब क्या हो गया, जो कार्य कुशलता है वो एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की कितनी आवश्यकता है, श्रम की कितनी इकाइयों का प्रयोग करना है, मतलब इससे क्या होगा, एक तरह से लागत जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जब कोई उद्यमी नया उद्योग लगाता है तो उसको इतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उस कार्य को करता जाएगा तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, और ज़्यादा एक्सपीरियंस होने से क्या होगा, वस्तुओं की जो उत्पादन लागत है वो पहले की तुलना में एक तरह से क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक उद्यमी जैसे जैसे क्या करता है, किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है, तो उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ में उस कार्य को करने का जो ढंग होता है, या यूं हम कह सकते हैं कि उस वस्तु का उत्पादन वो उद्यमी क्या करता है, अधिकतम कुशलतम तरीके से कर सकता है, और इस बात के वास्तविक जीवन में भी बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध हैं, ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्रों का ऐसा मानना है। और इस वजह से क्या होता है, जो प्रति इकाई लागत है, ठीक है, वो एक तरह से क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे कम हो जाती हैं, और प्रति इकाई लागत कम हो जाती हैं, इसलिए LHC वक्र का जो आकार है वो एक तरह से कैसा होता है, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ठीक है। और आधुनिक अर्थशास्त्र एक तरह से क्या कहते हैं कि कुल उत्पादन की जो मात्रा है, ठीक है, वो एक तो होता है अधिगम, ठीक है, जो कार्य करके सीखा जाता है, और दूसरा जो कार्य कुशलता की मात्रा होता है, उन दोनों को एक तरह से क्या करता है, वो निश्चित करता है, ठीक है। फर्म के उत्पादन की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि होगी तो अधिगम को एक तरह से बढ़ावा मिलेगा, उस कार्य को वो अच्छे ढंग से कर सकता है, जिससे कार्य कुशलता क्या होगी, बढ़ेगी, और इसी वजह से जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है वो कैसा होता है, नीचे की ओर गिरता बनता है, जिसको एक तरह से क्या कहा जा सकता है, अधिगम वक्र भी कह सकते हैं, लर्निंग कर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। लर्निंग कर्व का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि कार्य करते करते एक तरह से सीखना, कि एक उत्पादक है, फर्म है, वो क्या करती हैं, जब उत्पादन कार्य करती हैं, उत्पादन को मात्रा को बढ़ाती हैं, तो जितनी अधिक समय तक वो कार्य करेगा, ठीक है, उत्पादन की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ाएगा, तो उसको अनुभव की प्राप्ति होगी, और उस कार्य को वो श्रेष्ठ ढंग से, अच्छे ढंग से कर सकता है, जिससे लागत क्या होगी, कम होगी। तो लागत कम होने का कारण क्या होगा,
गया लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, सीखना एक तरह से हो गया, जिसको हम अधिगम कह सकते हैं। तो ये जो आपका अधिगम वक्र होता है वो भी एक तरह से इसी आकार का होता है, ठीक है, जो क्या दर्शाता है, उत्पादन की मात्रा और प्रति इकाई लागत के बीच में संबंध, या जो आपकी कॉस्ट है या आपकी उत्पादन की मात्रा है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, विपरीत संबंध एक तरह से, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो प्रति इकाई औसत लागत जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसको हम अधिगम वक्र भी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अधिगम वक्र के बारे में डिटेल में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं तक।